हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी चैनल अनुज आर्ट कला। जैसा कि दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा, ये जो फ़ोटो का वो बनाते हैं ना, फ़ोटो का लोगो बनाते हैं यानी स्टिकर बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं। जैसे फ़ोन से या नेट से कहीं से अपने फ़ोटो ले लिया और आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है उसे ब्लैक एंड वाइट करने का, तो ये ब्लैक एंड वाइट करके फ़ोटो को कट करने का ऑप्शन हमारे फ्लेक्सी सॉफ्टवेयर में होता है। तो आइए दोस्तों, ये जो सोनू सूद जी का फ़ोटो है इसे मैं फ्लेक्सी में ब्लैक एंड वाइट करके इनका स्टिकर बना के दिखाऊंगा। ये चेहरे चेहरे का है, तो ये फ्लेक्सी साइन जो अपना 8 प्रो पहले से खुला हुआ है हमारा, हम इसे उठा के यहाँ से सिंपली डाल भी सकते हैं इसमें। और दूसरा मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से फाइल और इनपुट, फाइल इनपुट करके भी ला सकते हैं। ऐसे फाइल इनपुट हो गया, ये फ़ोटो इसमें आ गया, ये दोनों तरीके से आ गया। अब आपको करना क्या है, इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप बिटमैप और यहाँ से फिल्टर, फिल्टर में जाने के बाद कलर वैलेंस पे आना है। अब आपको कितने कलर का बैलेंस करना है, तो हमें पूरे का करना है। हम पूरा इसे यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे एरो ले जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर पे ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही ना, ये जो अब इनसे हम आपको सेटिंग करके यहाँ से दिखाएंगे जो ये वाली लाइन है। तो आपको करना क्या है, पहले नीचे वाले वाई वाले को पकड़ना है और थोड़ा इधर उधर कर लेना है। इसे देखो, फोटो थोड़ा पीला हो गया है। और फिर ऊपर वाले से थोड़ा ब्लैक एंड वाइट करना है जिससे कि चेहरा थोड़ा डार्क कर जाए। फिर सी वाले से इसको अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर लेना है। स्टिकर टाइप लगने लगा, समझो ये हो गया। अब यहाँ से ये सही का टिक जो लगा है इस पर क्लिक करना ना भूलें, इस टिक पे ये यहाँ से अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई हो गया। अब दोबारा फ़ोटो को पकड़ेंगे हम लोग और यहाँ से बिटमैप में जाएंगे और बिटमैप में जाने ब्लेज़र, फिर यहाँ से इसे ब्लेज़र कर देंगे। अब ये फ़ोटो बन गया। अब इसे सिंपली उठा के यहाँ से ऐसे रख देंगे, ये सोनू सूद जी का फ़ोटो बन के तैयार हो गया। ये हमारा जो फ़ोटो है ये कटने के लिए ये रेडी हो चुका है। अगर इसमें थोड़े बहुत डॉट्स हैं, अगर आपको निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसे पकड़ के हल्का सा, या तो यहाँ से आउटलाइन कर देनी है आपको, या फिर इफ़ेक्ट में जाके कर देनी है। तो हम यहाँ से आउटलाइन करेंगे। अभी इफ़ेक्ट में गए और आउटलाइन, इफ़ेक्ट आउटलाइन करनी है। बस ये हल्की सी आउटलाइन है, तो ये इसका गोला जो होता है ना वो कट गया है। अगर ये फ़ोटो हम पहले से क्लियर कर लेते, जैसे चेहरा वाइट कर देते, फ़ोटोशॉप में ले जाके, तो और अच्छा करता। तो अब ये हो गया है। अब हम इस फ़ोटो को यहाँ से डिलीट मार के हम दोबारा कोशिश करते हैं। इम्पोर्ट, इनका ये एक पूरा फ़ोटो पड़ा है, हम ये ले आए, ये वाला फ़ोटो हम बना के देखेंगे कि कैसे बन रहा है। तो इसे वही तरीका, विंड में फिल्टर, फिल्टर में कलर बैलेंस, और इसका जो जहाँ जिस एरिए का हमें बैलेंस करना है उस पर ये चौकोला है उसे सेट कर लेना है। तो हमें चेहरे का करना है, तो चेहरा हम यहाँ से सेट कर ले रहे हैं। और फिर हम वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ से ये जो सेटिंग है यहाँ से सेटिंग को छेड़ेंगे और फोटो हमारा कलर मूव करने लगा हल्का सा। ये आ गया, यहाँ से अब ओके कर देंगे इसे। अब ओके हो गया। अब हमें दोबारा जाके बिड में इस वाली सेटिंग में ब्लेजर कर देना है। अब ये जो फोटो है ये भी बनके तैयार हो गया, ये फोटो ऐसे बनके तैयार हुआ है। अब बात यह है कि अब इसे काटेंगे ये पूरा एरिया आएगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, साइड में जो है इसे हटा लेते हैं, इसका जो एरिया जो है इसे कट कर लेते हैं थोड़ा यहाँ से। तो यहाँ से कट करने के लिए ये जो टिक होता है, अगर नहीं मिले ये 5वें नंबर टूल पे आते, थोड़ी देर दबा के रखेंगे यहाँ पे कैंची से, पहले ये मिल जाएगा तभी। अब हमें कट करना है कितना, इतना हिस्सा इधर का वो कट हो गया,
दोबारा कट करना है इतना हिस्सा, ये हो गया। दोबारा कट करना है इतना हिस्सा, ये हो गया। अब जो हमने इसे वो कट किया वो हमें डिलीट मार देने हैं वो पार्ट्स। अब ये आ गया फोटो। अब जब आप स्टिकर बनाएंगे तो आप यहाँ से साइड से मूवमेंट करके ये हिस्सा निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो ये मैंने धीरे धीरे आपको मतलब जल्दी जल्दी करके एक सेटिंग बता दी। जब आप खुद स्टिकर को बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा करके फ़ोटो को ढंग से लगा के तब बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेगा। अब इनका एक दूसरा फ़ोटो है, मैं आपको वो डाल के दिखा रहा हूँ। ये सब बंद करता हूँ, यहाँ से न्यू पेज लिया। न्यू पेज लेने के बाद फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट पे गए और यहाँ से आके ये फ़ोटो ये मिल गया सोनू का। अब वो वही तरीका अपनाना है, फिर बिटमैप में जाना है, फिर फिल्टर के बाद कलर वैलेंस में जाना है। अब ये यहाँ से चेहरे का लेना है तो पहले हम अब की बार क्या करते हैं, ऊपर वाला देखते हैं, सी वाला। सी से नहीं आ रहा है कुछ तो हम बाई येलो, ये सही है, बस इसे हम ओके कर देते हैं। अब हम इसे या तो पहले भी काट सकते हैं अगर काटना है तो पहले देखते हैं कटिंग करके इस फोटो की। इतना कटेगा या पहले तो नहीं कटेगा अभी, अब हमें पहले इसके ब्लेजर ही करना पड़ेगा, इसके बाद कटेगा। बट में ब्लेजर सीधा आए इफेक्ट, बस ये एकदम मस्त फोटो बना। इसे सारा एकदम सिलेक्ट किया, यहाँ ले आए और ये एक्स्ट्रा पार्ट है, कीबोर्ड की मदद से हम इसे डिलीट मारेंगे। ये जो पार्ट्स हैं, डिलीट डिलीट, ध्यान रहे कि और कोई पार्ट्स जो है फोटो वाला पार्ट डिलीट ना हो। यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से कंट्रोल जेड, अगर डिलीट हो रहा था कंट्रोल जेड वो तो आपको पता ही। अब यहाँ से ये ज्वाइंट हो रहा है तो इससे टूल की मदद से इसे यहाँ से उड़ा देंगे। ये पार्ट्स वो कट गया, हट गया अलग। और तरीका और है, ये जो है ऐसे हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करके और ये सिलेक्ट करके कंट्रोल जी दबा देते हैं कीबोर्ड से तो ये रह जाए, हमारा काम की चीज़ रह जाएगी, बाकी सब हट जाएगा। अब कहीं भी हटाओ ये आँख वाँख हटेगी नहीं, ये ग्रुप हो गया, कंट्रोल जी कर दिया मैंने, ग्रुप हो गया। ये सोनू जी का फोटो बन के तैयार हो गया एकदम मस्त। आप भी बनाइए और लगाइए, आप अपना चाहें अपना अपने दोस्तों का किसी का भी फोटो बना के, फोटो का स्टीकर बना के उन्हें दे सकते हैं और अपनी बाइक उनकी बाइक पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा हिंदी चैनल अनु जाट कलान और सीखते रहिए। ये छोटी मोटी जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए नई नई लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।